हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7. सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर नंबर 1, एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी. So we have already discussed about in a previous day about environment and components of environment like human made environment, human and natural environment. These are the components of the environment. So today I'm going to start next part of this chapter, environment. So from the above conversation you understand that the place, people, things and nature and surround any living organism is called environment. तो जो भी आपने ये conversations इन लोगों के बीच में देखी, इसमें आपने समझा कि place, people, things और nature जो होते हैं वो सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, मीन्स चारों ओर रहते हैं, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये एक नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना है, उसके ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है उस फिनोमिना का. While the natural environment refers to the both biotic and abiotic condition existing on the earth. और जबकि जो natural environment है ये क्या refers करता है, ये biotic और abiotic conditions दोनों को ही refers करता है earth में उसे exist करने के लिए. So what are biotic resources? The biotic world of living organism, biotic means living organisms like plants and animals, and other one is abiotic. Abiotic means the world of non-living elements. ऐसी चीज़ें world में जो कि non-living things हैं या elements हैं, like land. So this is the natural environment, but this is a abiotic environment. Is that clear, class? So human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. अब ये जो human environment है ये activities को reveal करता है, create करता है, interact करता है उन human beings के साथ. So firstly start first component of the environmental, the natural environment. Land, water, air, plants and animals. And animals comprise the natural environment. Land, water, air और plant और animal ये सब मिल कर के एक natural environment को बनाते हैं या form करते हैं. You are familiar with the meaning of lithosphere. आप lithosphere, hydrosphere और atmosphere and biosphere की meaning से already familiar हैं, जो आपने previous class में पढ़ा. Let us learn some more facts about these domains. और आइए अब हम इसे और learn करते हैं और सीखते हैं कुछ more facts के बारे में about these domains, जो इन domains में मिलते हैं. Now first is lithosphere. What is lithosphere? Lithosphere is related to land. It means it is the solid crust of the hard top layer of the earth. Lithosphere एक solid crust है, एक solid layer है, एक hard top layer है जो हमें earth में मिलती है. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये rocks, minerals से covered है, जो एक सॉइल की थिन लेयर से कवर्ड है.
इट इज अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स. अब ये कुछ ऐसे सर्फेसेज हैं जो इरेगुलर हैं, लाइक लैंडफॉर्म्स हैं. लैंडफॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स. लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स के ओवर में बने हुए हैं, फाउंड हुए हैं, मिल सकते हैं ये. एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, या फिर ये ओशन के फ्लोर्स में भी दिखाई देते हैं. लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग. लिथोस्फीयर प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये एक मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है. सो क्लास एनवायरनमेंट जो वर्ड है, एनवायरनमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर. एनवायरनर मीन्स होता है नेबरहुड. इज दैट क्लियर क्लास? सो वी कैन सी दिस पिक्चर, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द ऑल स्पेयर्स. मीन्स फर्स्टली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, सॉरी एटमोस्फीयर. सो दीज आर इंक्लूडिंग और कॉम्बिनेशन अबाउट द बायोस्फीयर. सो हम इसमें देख रहे हैं हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और एटमोस्फीयर भी है. ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहे हैं. सो द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. तो जो वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर बताती है. मीन्स हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर होता है. इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स. ये वेरियस सोर्सेज जो हैं वाटर के, वो डिफरेंट टाइप्स में वाटर बॉडीज के बेसिस पर हमें दिखते हैं, लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये लिविंग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर. एटमोसफियर एक थिन लेयर है एयर की, दैट सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी को चारों तरफ से कवर किए है वो है एयर. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट. और इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को होल्ड करके रखता है इस एटमोसफियर को चारों ओर से. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और ये हार्मफुल रेजेस से बचाता है. एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और सन की बहुत स्कॉर्च वाली हीट से भी बचाता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें नंबर ऑफ गैसेस मिलती हैं. डस्ट होता है, वाटर वेपरेशन होता है, वाटर वेपर होता है. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और ये जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं वेदर और क्लाइमेट के साथ. तो ये एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं या चेंजेस लाती हैं. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. प्लांट और एनिमल किंगडम एक साथ मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पर एक लिविंग वर्ल्ड होता है. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. और अर्थ एक ऐसा नैरो जोन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जो एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं. सो आई होप एवरीवन्स हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी. सो वॉच वीडियो केयरफुली एंड रीड नेक्स्ट टॉपिक. इज दैट क्लियर क्लास? Thank you. Have a nice day, everyone.